सबको बहुत हैवी गेम हुआ है, जो भी ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स जो होंगे वो तो कमा ही रहे होंगे, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग से काफी ज्यादा पैसा इस साल कमा चुके हैं। उसका लाइव एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसे लाइव एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्योंकि किसी भी ब्रांच का सक्सेस जो होता है उनके क्लाइंट्स के बेसिस पे होता है। अगर क्लाइंट्स पैसा नहीं अगर कमाएंगे तो ब्रांचेस का ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकता है, और ब्रांच का अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब उनके क्लाइंट्स कमा रहे हैं, और क्लाइंट्स तभी कमाएंगे जब वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनका मुनाफा डे बाई डे बढ़े। और कोई भी ब्रोकिंग फर्म जो है जनरली ट्रेडर्स पर चलता है, इन्वेस्टर्स पे नहीं चल पाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या है, एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो एक महीना दो महीना छह महीने साल भर या दस साल या बीस साल तक स्टॉक्स रखे रह जाते हैं, तो उससे ब्रोकर्स की कोई कमाई तो होती नहीं है। तो जनरली शेयर मार्केट चलता है ट्रेडर्स के बेसिस पे, क्योंकि ट्रेडर्स क्या होता है कि हर एक लेवल पे एंट्री करते हैं, हर एक लेवल पे परचेस करते हैं और हर एक लेवल पे सेल करते हैं। इन्वेस्टर्स जनरली क्या होता है कि जब बाजार गिरे होते हैं या स्टॉक्स का रेट कम होता है उसी समय वो परचेस करते हैं और काफी दिनों तक रखते हैं। अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं है तो एक पांच साल दस साल और पंद्रह साल, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो पांच साल दस साल पंद्रह साल से भी स्टॉक्स रखे हुए हैं। हमारे यहाँ ये फ्रेंचाइजी 2011 से चल रहा है और ऐसे भी हमारे कस्टमर्स हैं जो उस समय से अभी तक स्टॉक्स जो खरीदे हैं वो अभी तक रखे हुए हैं, या SIPs चलाने वाले कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं मुझे लगता है कि 2011 के पहले से, क्योंकि 2011 में हमारे यहाँ शेयर खान का शुरुआत हुआ था और उससे पहले से भी हमारे यहाँ काम चल रहा था, लेकिन शेयर खान के साथ हम लोग 2011 में जुड़े थे। उसके पहले से भी कुछ कस्टमर्स हैं जो SIPs और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हमारे थ्रू ही, और आज भी है। उनमें से एक युग है, ये यहाँ बैठे हुए हैं सामने इस टेबल पे, और इनका SIPs उतने साल से कंटिन्यू डे बाई डे इंक्रीज किया है। मतलब अगर स्टार्टिंग में इन्होंने 2 to 5,000 अगर मंथली किया था तो वो ग्रेजुअली 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000 डे बाई डे और ईयर बाई ईयर इंक्रीज किया। तो उनसे एक बार हम लोग सुनना जरूर चाहेंगे कि अगर वो इतने लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं। दीक्षा प्रॉफिट है, कभी कभी तक इन्वेस्टेड है।